ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय बंधुओं, भगवद गीता द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 53 में जब निष्काम कर्म की बात करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में अचल हो जाएगी तभी तुम उस परम ब्रह्म को प्राप्त होगे। समाधौ अचलः बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तो यहाँ बुद्धि का अर्थ सामान्य बुद्धि है। समाधौ, समाधौ का तात्पर्य भगवान का आशय समाधि में स्थित होने का, मतलब परम ब्रह्म में। अर्जुन ने उसका सामान्य अर्थ लिया, इसलिए यहाँ प्रश्न करना बिल्कुल स्वाभाविक था। तो आज के 10 श्लोक एक नया टॉपिक कर्मयोग में ही समाहित है और इसका नाम है स्थित प्रज्ञ। गीता का बहुत महान विषय है। यह अध्यात्म के महान लक्ष्य को पाने के लिए गीता का यह प्रसिद्ध स्थित प्रज्ञ लक्षण बहुत ही इंद्रिय संयमन की, इंद्रियों के निग्रह की एक महान शिक्षा देता है। वर्तमान समय में इसकी बहुत प्रासंगिकता है। इसके महत्व का हम बाद में व्याख्यान करते हैं, कि तो आइए सबसे पहले आज के 10 श्लोकों का पारायण करें, मेरे साथ गाएं। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितदिहि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य तदुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधिर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये आज के स्थित प्रज्ञ के 10 श्लोक हैं। आइए इनका हिंदी और संस्कृत सरलार्थ करें और इनके भाव और आशय को समझने का प्रयास करें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये एक चिंतामणि औषधि के समान है। आज के इस वर्तमान युग में, संपूर्ण वैश्विक समाज में इन श्लोकों की बहुत उपादेयता, प्रासंगिकता है। विषयाशक्ति से होने वाली जो क्रमिक हानि है उसका बोध कराते हुए भगवान ने कदाचारों से मनुष्य को पतन से बचने का एक महान संदेश दिया है। हर युवक के लिए, हर व्यक्ति के लिए, मनुष्यता को पशुता से बचाने के लिए ये श्लोक बहुत आवश्यक हैं, बहुत प्रासंगिक हैं। दुनिया में बढ़कर इससे कोई और कोई चीज़ नहीं है और कोई साहित्य नहीं है। इसलिए भारत धन्य है, पूरा विश्व आध्यात्मिकता के लिए भारत की ओर देखता है। इन श्लोकों में क्या है? अर्जुन का स्वाभाविक प्रश्न था कि समाधि में
कैसे चलेगा, कैसे बैठेगा? तो कहता है अर्जुन, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। भगवान, जब व्यक्ति व्यक्ति समाधि में स्थित हो जाए तो फिर वह कैसे बोलेगा, उसकी क्या परिभाषा है? हे केशव, यहाँ भगवान कृष्ण के लिए अर्जुन ने केशव संबोधन दिया है। केशव, केश में वह प्रत्यय लगने से केशव बनता है। प्रशस्त केशः यस्य यस्य इति केशव। भगवान कृष्ण के बाल बड़े सुंदर थे, केश बड़े सुंदर थे, इसलिए उनका नाम केशव पड़ा। अर्जुन कहता, हे केशव, हे प्रशस्त केशव वाले केशव, स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है? ये स्थित प्रज्ञ समाधि में स्थित थे, आपने कहा कि समाधि में स्थित अर्थात परमात्मा में स्थित। अर्जुन, जब व्यक्ति परमात्मा में स्थित हो गया तो वो चलेगा, बैठेगा, उठेगा, कैसे क्या करेगा? तो दूसरी पंक्ति देखिए, स्थित बुद्धि किम प्रभाषेत। स्थित बुद्धि जो है, स्थित बुद्धि है, स्थित प्रज्ञ है, वह कैसे बोलता है? फिर बोलेगा कैसे? परमात्मा में लीन हो जाने पर वह भाषण कैसे करेगा? किमासित कैसे बैठता है, किम रजेत कैसे चलता है? आइए, स्थित प्रज्ञ का तात्पर्य भगवान ने क्या समझाया अर्जुन को? अर्जुन के दिमाग में कुछ सामान्य बात आई थी कि स्थित प्रज्ञ सामान्य मनुष्य नहीं होता है, असामान्य होता है। स्थित भगवान कृष्ण है, उसके उस स्वाभाविक जो उसकी सोच थी उसको एक महान आशय में कैसे परिवर्तित किया? स्थित प्रज्ञ के लक्षण देकर किया। ये इंद्रिय संयम की महान शिक्षा एक एक श्लोक का फिर से देखते हैं। श्री भगवान उवाच, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, हे पार्थ, प्रजहाति यदा कामान सर्वान कामान यदा प्रजहाति मनोगतान, मनोगतान सर्वान कामान यदा प्रजहाति। कोऽपि पुरुषः, कोऽपि साधकः, यदि साधन क्रमे स्वानुष्ठाने मन में आई हुई समस्त इच्छाओं को, भोगों को छोड़ देता है, सभी भोगों को, हे पार्थ, मन में उठे हुए भोगों को, भोगनी की लिप्साओं को यदि कोई व्यक्ति छोड़ देता है जब, और फिर आत्मनि आत्मना तुष्ट, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट। आत्मनि का तात्पर्य है सप्तमी एक वचन, आत्मनि आत्मा में, स्वयं में, आत्मना स्वयं से स्वयं में तुष्ट संतुष्ट रहता है। जब स्वयं के अंदर अर्थात आत्मनि आत्मा में आत्मा के द्वारा तुष्ट रहना, बड़ा महान श्लोक है, क्योंकि आगे जाकर के भगवान छठे अध्याय में कहते हैं कि अब उद्धार करना हो तो एक ही लक्ष्य है, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मैव आत्मनो बंधु। अर्थात हमें स्वयं का उद्धार स्वयं को करना है, अपने मन में अवसाद पैदा नहीं होने देना है। तो स्वयं में, स्वयं के द्वारा संतुष्ट हुआ व्यक्ति स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, तदा वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जब मन में उठे हुए भोगों के उस ज्वार को व्यक्ति छोड़ देता है, विषय भोग इंद्रियों द्वारा। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए बात कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थियों की जो महत्वाकांक्षाएँ हैं कुछ बनने की, वो नहीं, वो खुली आंखों से सपना देखो और मेहनत करो, अध्याय स्वाध्याय करो, लेकिन विषयों को भोगने की, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को देख करके भ्रांत हो जाने की जो बात है वो यहाँ कही जा रही है। अगले श्लोक में कहते हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। बहुत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो दुखों में अनुद्विग्न मना, न उद्विग्न मना इति अनुद्विग्न मना, दुखों में विचलित नहीं होना, दुखी नहीं होना, और सुखों में विगत स्पृह अर्थात स्पृहा रहित हो जाना, सपने नहीं देखना, सुख आने पर इच्छा रहित हो जाना, और वीतराग भय क्रोध, दुखों में जो अनुद्विग्न मन है और जो सुखों में स्पृहा रहित है, जिसके राग भय क्रोध वीत हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, जो राग रहित है, भय रहित है, क्रोध रहित है, वीत हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, हे अर्जुन, स्थित धीमुनि उच्यते, सब मुनि, वही व्यक्ति, वही पुरुष, वही साधक
स्थित अधि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सर्वत्र चारों ओर से अनभिस्नेह न अभिस्नेह इति अनभिस्नेह सर्वत्र अनभिस्नेह इति सर्वत्रानभिस्नेह जो चारों ओर से स्नेह रहित होकर के स्नेह रहित होता हुआ तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम उन उन शुभ अशुभ कर्मों के परिणामों को पाकर के न अभिनंदति न दृष्टि न तो प्रसन्न होता है न दृष्टि न दुखी होता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है वही स्थित प्रज्ञ स्थित अधि कहलाता है। बहुत महान श्लोक है एक से पढ़कर एक कछुए का उदाहरण देकर भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ को कैसे समझाया देखिए बहुत श्रेष्ठ बात। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वश हे अर्जुन जैसे कछुआ यदा कुर्मही कछुआ सर्वश सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है जब भी चाहे तब पानी का कछुआ कूप का कछुआ जब चाहे तब अपने मुंह को चारों अंगों को पीछे की पूंछ को भी एक साथ समेट लेता है अंदर। उसी प्रकार इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः यदा अयम संहरते अयम किसके लिए आया जो साधक जो कर्मयोगी जो विद्यार्थी साधक जो अपने उज्ज्वल भविष्य का सपना देख रहा है। इंद्रियार्थ का तात्पर्य है विषय इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को विषयों में गई हुई इंद्रियों को जब चाहे तब समेट ले कछुए की तरह। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है वही स्थित दी है। कितना सुंदर उपमान है। 59वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना निराहारस्य देहिना विषया विनिवर्तन्ते भगवान कृष्ण के बहुत उत्तम श्लोक है ये स्थित प्रज्ञ का। दो प्रकार के साधक होंगे एक तो निराहार जिसने इंद्रियों से विषयों का भोग नहीं किया है निराहार रहकर अर्थात निराहार देह के प्राणी के उस समय वह मनुष्य जो इंद्रियों से विषयों का उपभोग नहीं किया है वह यदि इस प्रकार की साधना करता है तो उसके विषय विनिवर्तन्ते क्या होता है कि उसकी आस उसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं किंतु आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। परंतु इंद्रियों से विषयों का उपभोग नहीं करने वाले साधक के लिए उसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं इंद्रियों से चलो पहला चरण अच्छी बात है लेकिन आसक्ति बनी रहती है आसक्ति कभी भी फूट सकती है। इसलिए स्थित प्रज्ञ यदि बन जाए तो आसक्ति भी छूट जाती है। आगे कहते हैं कि रसवरजम रसोप्यस्य अस्य तु रसवरजम रसवरजम का तात्पर्य आसक्ति नहीं खत्म होती है लेकिन अस्य रस अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते लेकिन इसका तो इसका कौन स्थित प्रज्ञ का लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है उसकी तो रस भी अर्थात आसक्ति उन विषयों के प्रति आसक्ति ही समाप्त हो जाती है। परम दृष्ट्वा परम ब्रह्म को पा करके परमात्मा को पा करके परमात्मा का तात्पर्य आप समझ रहे हैं आत्मा ही परमात्मा है अर्थात इंद्रिय संयमन का महान अनुष्ठान। देखिए आगे 60वां श्लोक यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो हि अपि यपि हि अपि यपि क्योंकि हि का अर्थ क्योंकि क्योंकि हे कुंती पुत्र अर्जुन विपश्चितः पुरुषस्य विपश्चित का तात्पर्य विद्वान एक बहुत विद्वान पुरुष के भी यततः मन यत्न करते हुए बड़े प्रयत्नों से कोई साधना कर रहा है
उसकी भी इंद्रियाणि प्रमाथिनी, ये इंद्रियाणि प्रमाथिनी विशेषण है इंद्रियों के लिए, प्रमाथिनी इंद्रियाणि कैसा विशेषण, ये इंद्रियां कैसी हैं, प्रमथन स्वभाव वाली है, प्रमथन स्वभाव वाली, प्रमथन का मतलब मथनी आती है ना दही मथने की, वो कैसे आलोड़ित कर देती है मथनी ऊपर नीचे सब अंदर, तो इंद्रियों का स्वभाव भी प्रमथन वाला है, प्रमथन स्वभाव वाला है, ये व्यक्ति को विषयों में उलझा देती है, व्यक्ति बाहर आ ही नहीं पाता है। तो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां मन प्रसभम हरंती, कैसे किसके मन को, विपश्चित पुरुषस्य, विद्वान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। यत्न करते कई प्रयत्नवान, यत्नवान स्थित प्रज्ञ के लिए साधना कर रहे व्यक्ति के मन को भी बलाथर लेती हैं ये प्रमथन स्वभाव वाले इंद्रियां। फिर साधारण व्यक्ति की तो बस की बात कहाँ है, हमने देखा ना, हम महाभारत देखते हैं तो पता चलता है विश्वामित्र तपस्यारत होते हैं और किस प्रकार एक मेनका आकर के विषय में उनको उलझा देती है और विश्वामित्र की तपस्या भंग हो जाती है। साधना कर रहा व्यक्ति भी विषयों की आसक्ति में उसकी तपस्या में भंग विघ्न आ जाता है। तो आगे बढ़े, कैसे विश्वामित्र और मेनका के विवाह से शकुंतला का शकुंतला उत्पन्न होती है, शकुंतला की अभिज्ञान शाकुंतलम में पूरी कथा है, उसका उसी का पुत्र तो फिर भरत सर्वदमन इस देश का नाम भरत पड़ा है। अभी ये कहने का अवसर नहीं है, गीता का पारायण चल रहा है, 61वां श्लोक देखें, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत वत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तानि सर्वाणि उन सभी किसके लिए है, सर्वाणि इंद्रियाणि संयम्य उन सभी इंद्रियों को संयमित करके युक्त हुआ, युक्त का तात्पर्य है योग संपन्न हो करके व्यक्ति परमात्मा में परम ब्रह्म में युक्त हो करके मत परायण आसीत, मेरे परायण हो करके बैठे भगवान को समर्पित कर रहे, मुझ परमात्मा के मुझ कृष्ण के परायण हो जाए बैठे सामने, क्योंकि ही फिर आया दूसरे पंक्ति में देखे ही, क्योंकि वशे यस्य इंद्रियाणि जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, यस्य इंद्रियाणि वशे जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, गई हुई इंद्रियों को वापस खींचना विषयों में से, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है अर्जुन। ये दो आगे आने वाले श्लोक 62 और 63 ये दो महान श्लोक है गीता के, खास करके युवा पीढ़ी के लिए, युवा वर्ग के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप इनको देखें तो इनका अनुष्ठान करें मित्रों, इनको सोचें समझें, इस चैन को समझें, क्योंकि ये जो अंतिम पंक्ति 63 श्लोक की बुद्धि नाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति का तात्पर्य नाश से नहीं है, किंतु मनुष्य जीवन का महान लक्ष्य है उससे तो व्यक्ति पतित हो ही जाता है कम से कम, बिल्कुल सर्वनाश से नहीं, तात्पर्य है प्रणाश का, लेकिन एक चैन है, उस चैन को आप याद कर लें जीवन में। और जो विद्यार्थी अपने माता पिता का स्वप्न पूरा करना चाहते हैं, स्वयं जिन्होंने महत्वाकांक्षा पाली है उसके लिए ये चिंतामणि औषधि है ये श्लोक, जीवन की सफलता के लिए विषयों का संयम पूर्वक उपभोग करने की शिक्षा देती है स्थित प्रज्ञ में आए दो श्लोक। पहला 62वां श्लोक है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यायतः विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते, लगातार विषयों का ध्यान करते रहने से बस दिमाग में हमेशा शब्द स्पर्श रूप रस गंध के ख्याली पुलाव पक रहे हैं, तो कैसे पढ़ाई में मन लगेगा भाई, कैसे अध्यात्म में मन लगेगा, कैसे आप जीवन के आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर उन्मुख होंगे, भौतिक लक्ष्य भी पूरे नहीं होंगे, अध्यात्म की बात दूर है। तो विषयों का निरंतर सोचने चिंतन करते रहने से संगह आसक्ति हो जाती है, आसक्ति का व्यक्ति उसी में चिपका रहता है, बाहर निकल ही नहीं पाता है, उसके दिमाग में वही चलता रहता है, जुनून नशा
भोग का नशा, लिप्सा, इंद्रिय भोग की लिप्सा, तेषु उपजायते, किनमें विषयों में उनको आसक्ति लग जाती है व्यक्ति की। लगातार विषयों का ध्यान करते रहने से उनमें व्यक्ति की क्या हो जाती है, आसक्ति। तो पहली क्रिया क्या हुई, विषयों का ध्यान करते रहने से उसकी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से क्या होगा, दूसरी पंक्ति में देखिए, संगात संजायते कामः, संगात आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम, काम की बहुत बड़ी व्याख्या है, लेकिन सुख भोग की जो इच्छा है, प्रबल इच्छा है, उसको काम कहते हैं। संगात, उस आसक्ति से काम की भावना प्रबल होती है व्यक्ति के अंदर। कामात क्रोधो भी जायते, तीसरी कड़ी कड़ी, काम में विघ्न, काम नहीं होने पर, काम की पूर्ति नहीं होने पर क्रोध पैदा होता है। ठीक है, दो श्लोक पहले 62वें श्लोक से तीन बातें सामने आई कि लगातार विषयों का ध्यान करते रहने से आसक्ति, आसक्ति से काम, काम से काम में विघ्न या काम की साध पूरी नहीं हो। काम ऐसी चीज एक व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, क्योंकि अनंत इच्छाएं हैं, अंतरहित इच्छाएं हैं, उस वासना का कहीं अंत नहीं है, उससे व्यक्ति के अंदर क्रोध पैदा होता है। 63वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, क्रोधाद भवति सम्मोह, अगर व्यक्ति क्रोध पैदा हो जाता है उसके स्वाभाविक ही क्रोध आएगा, वो क्रोधी होगा, क्योंकि जिसके दिमाग में काम हमेशा रहता है वो क्रोधी भी होता है, क्रोध पैदा होता हो जाता है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से फिर क्या होगा परिणाम, सम्मोह, सम्मोह का मतलब मूढ़ता, मूढ़ भाव, अविवेक, उचित अनुचित को सोच नहीं पाता है, और उससे सम्मोहन से, मूढ़ता से क्या होगा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति में भ्रम पैदा होता है, स्मृति में विभ्रम पैदा होता है, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस इसको कहते हैं जिसे। फिर आगे क्या होगा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, स्मृति में विघ्न पड़ने से जब व्यक्ति की स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, कम होने लगती है, तो फिर बुद्धि, उचितानुचित का जो विवेक है, वह बुद्धि का, बुद्धि में क्षरण होना प्रारंभ हो जाता है, बुद्धि में जंग लगना शुरू हो जाता है। और जब बुद्धि नाश हो जाए, बुद्धि में जंग लगना शुरू हो जाए, तो फिर प्रणश्यति, व्यक्ति पतित हो जाता है। ये जो महान लक्ष्य है मानव जीवन का, उससे भटक गए और पशु तुल्य जीवन निकल जाएगा, कब पता चल, कब गुजर जाएगा जीवन पता ही नहीं चाहिए चलेगा। तो युवाओं के लिए खास करके ये श्लोक बहुत उपाधि है, क्योंकि युवा मन बड़ा चंचल होता है। ये ब्रह्मचर्य का जो अनुष्ठान है, समय है 1 से 25 ब्रह्मचर्य आश्रम, अब तो 1 से 25 को इस रूप में ना देखें, 1 से 20 रूप में देखें, या विवाह से पूर्व तक देखें, तो ये जो अवसर है इसको आप उस तपस्या में तब्दील कीजिए। गृहस्थ का समय भी आएगा, विषयों को भोगने का समय भी आएगा, लेकिन अध्ययन के दरमियान आप उन ख्याली पुलाव को न पकाएं। आप श्रवण मनन निध्यासन के हमारे शास्त्रोक्त विधि के साथ आगे बढ़िए, देखिए फिर आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। तो आज के इस भाग में, 5वें भाग में इतना ही, कल फिर 10 श्लोकों के साथ सांख्य योग द्वितीय अध्याय के इन श्लोकों का हम विराम देंगे और तृतीय अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप भगवद गीता के इन श्लोकों को बड़ी श्रद्धा से सुनते होंगे। युवा अवश्य देखें, और अपने घर में बुजुर्ग जो महानुभाव हैं, जिनको गीता से प्रेम है, जो गीता के सुधी पाठक हैं, श्रोता हैं, उनको भी सुनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।